आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया कैंपेन चला रहा है #MaskPehnoIndia। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लोकसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर न्यूज 18 की पायल मेहता की खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान पर्चे फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और सरकार ने पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित करने की मांग की है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर भी विपक्ष सांसदों के व्यवहार से नाराज है और बार बार हंगामे में शामिल होने वाले सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा से ताल्लुक रखते हुए न्यूज 18 की पायल मेहता की खबर है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान पर्चे फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और सरकार ने इस पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित करने की मांग की है, जैसा कि शांतनु सेन के साथ हुआ है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर भी विपक्षी सांसदों के व्यवहार से नाराज हैं और बार बार हंगामे में शामिल होने वाले सांसदों पर कार्यवाही कर सकते हैं। संसद के बाहर सड़क पर और संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर जमकर घमासान हुआ। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही के दौरान पर्चे भी फेंके। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर संसद भवन के बाहर मार्च निकाला और इस मार्च में कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। मार्च के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जासूसी के मुद्दे पर जवाब मांगा। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्चे फेंके जाने के मामले पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष के 10 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की है। सरकार के इसलिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करने की तैयारी है। इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, उन 10 सांसदों की जरा नाम बतला दीजिए सूची में। नीरज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से इस बड़ी खबर को समझना आपके लिए जरूरी। खबर यह कि संसद के बाहर सड़क पर और संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ है। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाया, हंगामा शुरू हुआ और उसकी वजह से लोकसभा साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही के दौरान पर्चे भी फेंके। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, आगे की तैयारी सरकार की क्या है? शांतनु सेन की तरह इन 10 सांसदों को भी अब निलंबित कर दिया जाएगा पूरे सत्र के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी की तरफ पेपर्स फेंके गए वो असंवैधानिक था और संसदीय प्रक्रिया और संसदीय गरिमा के खिलाफ था और इसलिए बहुत आहत हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं। और सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस तरह का व्यवहार इन सांसदों का रहा है वो संसदीय प्रक्रिया के। अरुण, ये खबर आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही वो जो पहली तस्वीर, मच अवेटेड फोटो ऑफ द डे, ये इस वक्त आपके सामने है। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। कोरोना काल में दोनों ही शख्सियतों ने, दोनों बड़ी देश की ऐसी महिलाएं जिनकी शख्सियत अपने आप में बेहद खास है, दोनों ने कोरोना काल में मास्क लगाया हुआ है और चाय पर चर्चा उनकी हो चुकी है। दोनों की ये चाय पर चर्चा के दौरान की तस्वीर और अब ममता बनर्जी बाहर निकल रही हैं, अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अरुण लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अरुण, ये आज की पिक्चर ऑफ द डे है तस्वीर? निश्चित रूप से, कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री से मिली थी ममता बनर्जी तो उस दिन की पिक्चर ऑफ द डे वो थी और आज चूंकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन और ममता बनर्जी से गांधी परिवार का एक जो रिश्ता है वो भावनात्मक रहा है राजीव गांधी के जमाने से। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के ममता बनर्जी ने भले ही कांग्रेस छोड़ दिया था, अलग पार्टी बना ली, लेकिन आज भी वो जो रिश्तों की गर्माहट है, सोनिया गांधी की जहां तक बात है उनके साथ ममता बनर्जी की कायम है। राहुल गांधी का नाम जब आता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उसमें मुद्दे होते हैं तृणमूल कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस दबी जुबान में कहती है
कि राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा सीनियर हैं। और 2024 की बात करिए या प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात करिए, निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस ये पिच करती है, इसको आगे बढ़ाती है कि ममता बनर्जी ज्यादा बड़ी नेता है। लेकिन सोनिया गांधी की जब बात आती है तो ममता बनर्जी उनके घर अक्सर जाती है। जब कभी भी वो दिल्ली आई होंगी, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब ऐसा दौरा हुआ ममता बनर्जी का जब वो दिल्ली आई और सोनिया गांधी से मिलने नहीं गई। ये जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो राजनीति में अब भी कायम है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 2024 की जो लड़ाई है, जिसमें एक संयुक्त विपक्ष की बात हो रही है, उसमें आज ही तृणमूल कांग्रेस ने धक्का दिया, एक झटका बड़ा दिया। जब सुबह की बैठक विपक्ष की हुई थी, तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। जब मार्च किया पूरे विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने, तब भी विपक्ष में उसमें शामिल नहीं थे तृणमूल कांग्रेस के लोग। ये एक अलग बात है कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी शहर में है, उनके साथ सारे सांसद थे, लेकिन कोई नुमाइंदा अगर वो भेजती तो शायद विपक्ष के एकता का संदेश और ज्यादा मजबूत तरीके से जाता, जो उन्होंने नहीं किया। और उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि राहुल गांधी उन बैठकों में मौजूद थे और ममता बनर्जी की पार्टी ये संदेश नहीं देना चाहती कि वो कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के पिछलग्गू के रूप में दिखाई दें। वो ममता बनर्जी को बड़ा नेता 2024 का सबसे बड़ा दावेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब से ठीक 9 मिनट पहले कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये फोटो पोस्ट हुई है, जिसे मैं पिक्चर ऑफ द डे बोल रही हूँ। और इंतजार था कि ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी और बातचीत करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीरज, कुछ बातचीत होने की संभावना बनी ममता बनर्जी से या नहीं? प्रीति, सवाल फिर से दोहराएं। नीरज, ममता मुलाकात के बाद कुछ बोली? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? चलिए, लग रहा उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मेरा आपसे भी है अरुण। हमने कल देखा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद छाता लिए हुए ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं और तुरंत मीडिया से मुखातिब हो जाती हैं, लेकिन आज मीडिया से मुखातिब होने का मौका उन्होंने उनको दिया या नहीं दिया? अभी तक देखिए, जो 10 जनपद है उसके 2 गेट हैं प्रीति। मैं पहली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये जो गेट है ये 24 अकबर रोड की तरफ, यानी जो पार्टी का दफ्तर है उसके ठीक बगल से ये गेट है। इससे गई तो हैं जरूर ममता बनर्जी, लेकिन निकलने का एक और गेट है जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की कोठी के ठीक बगल में गेट है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी उधर से निकले, हो सकता है इधर से निकले। अभी तक ममता बनर्जी इस गेट से नहीं निकली है। दूसरी बात, जहां तक उनके मीडिया से बातचीत करने का सवाल है, तो ममता बनर्जी लगभग 1.5 घंटे प्रेस के साथ अभी मुखातिब थी। कैमरे वहां नहीं थे, लेकिन सारे रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कह भी दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता कौन होगा, नेतृत्व क्या होगा। वो कोशिश ये करती रहेगी कि 2024 में विपक्ष की एकता दिखाई दे। जहां तक आज की बैठक का सवाल है, मुझे जो खबर मिल रही है प्रीति, थोड़ा और समय लगेगा उसको पुष्ट करने में, लेकिन राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि तस्वीरों में आपको राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले राहुल गांधी के दफ्तर के लोग यहां आए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी भी कर्टसी कॉल के रूप में वहां पर रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी शख्स है, एक ऐसी बड़ी नेता है जो राहुल गांधी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और जो खानदानी पारिवारिक रिश्ते हैं, शायद उनकी दुहाई देकर के राहुल गांधी के नेतृत्व को मनवाने के लिए आगे चलकर सोनिया गांधी उनको मना लें, उसके लिए जरूरी यह है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ रिश्ते अपने बहुत कॉर्डियल रखें, अच्छे रखें, मधुर रखें। और उस बात को लेकर के कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह कहना था कि राहुल गांधी को भी इस बैठक में होना चाहिए, भले ही वो सोनिया गांधी के साथ चाय पीने आ रही हो, लेकिन राहुल गांधी अगर वहां रहेंगे और उनकी सलाम नमस्ते ममता बनर्जी से होगी तो भविष्य की राहुल गांधी की राजनीति के लिए ये अच्छी बात होगी, शुभ संकेत होगा। हालांकि अभी 3 साल का वक्त लोकसभा चुनाव में अरुण बाकी है, लेकिन क्या लगता है, अगर हम कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो भी राज्यों में अलग अलग पार्टियां लीड कर रही हैं, कई जगह चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की शख्सियत वो शख्सियत रहेगी कि 2024 के चुनाव में वो विपक्ष का चेहरा बन पाए कांग्रेस को, अगर हम अलग करके देखें तो? देखिए, एक बात तो यह है कि ममता बनर्जी शरद पवार और प्रशांत किशोर या फिर क्षेत्रीय छत्रप, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, ये बात सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई भी विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मजबूत नहीं बन सकता। ये बात प्रशांत किशोर ने कही जब वो राष्ट्रमंच के तहत शरद पवार की मदद कर रहे थे, वहां की बैठकों में उनको सलाह दे रहे, तब भी उन्होंने खुल के कहा कि बिना कांग्रेस के कोई तीसरा विकल्प नहीं बन सकता। उसकी वजह है प्रीति, मैं आपको बताऊं, जितनी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है एक राज्य में, उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस की संभावना हमेशा रहती है जीतने की। आज इतिहास के सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही, फिर भी उसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 85 से 90 के बीच सांसद हैं, लगभग
880 के आसपास उसके पास विधायक हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने सबसे खराब दौर में भी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा सांसद या विधायक उसके पास हैं, तो उसका दावा स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद पर होता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बात अभी इसलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करेगा कि 2024 में नेतृत्व कौन करेगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि इन पार्टियों का प्रदर्शन कैसा होता है। अगर कांग्रेस पार्टी 52 से अपनी टैली बढ़ा करके 100, 125, 150 या 80, 90 ले जाती है तो जाहिर सी बात है उस वक्त उसको तय कर लिया जाएगा। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी है नहीं, विपक्ष चाहे जितनी लामबंदी कर ले, चाहे जितनी बातें कर ले, बैठकें कर ले, तो देखना यह होगा कि विपक्ष कितना मजबूत होकर उभरता है और खास तौर से उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है उसी पर निर्भर करेगा। ये जो पिक्चर ऑफ द डे इस वक्त हम आपके साथ में, आप जब बात रख रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, उसके साथ ही व्यूअर्स लगातार जिनके बीच इस बात को लेकर बार बार सवाल आ रहा है कि राहुल गांधी इस मुलाकात के दरमियान कहां थे। प्रीति, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मेरी जो जानकारी है अभी उसको पुष्ट होना बाकी है सूत्रों से, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक के दौरान मौजूद थे ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन जब तक तस्वीरें नहीं आ जाती या जब तक स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि राहुल गांधी अंदर थे कि नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो दावा कर रहे थे कि उनको सलाह दी गई थी, उनसे कहा गया था कि सोनिया गांधी के साथ भले चाय पीने ममता बनर्जी आ रही हो लेकिन आपको वहां होना चाहिए। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि अगर 2024 में कोई संभावित एक गठबंधन उसके लिए बनता है और ठीक ठाक सीटें आती हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ये बात कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वही उनके नेता हैं, तो वो कैसे बनेंगे, क्या कांग्रेस अपने दम पर बन पाएगी अगर कहीं कोई वैकेंसी होती है तो, जिसको खारिज करती है बीजेपी ये कहकर कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो सवाल ये कि बिना ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, स्टालिन, इस तरह के जो आरजेडी में जो तेजस्वी यादव हैं, इन तमाम लोगों को साथ लेकर के ही कोई एक विकल्प बन सकता है और स्वीकार्यता राहुल गांधी की तभी होगी जब इन नेताओं से उनके रिश्ते मधुर हों, अच्छे हों। और इसीलिए आज आपने देखा कि राहुल गांधी ने कोशिश की, कल की विपक्ष की बैठकों में शामिल हुए, आज की विपक्ष की जो बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई थी वहां भी राहुल गांधी एक सदस्य के रूप में गए थे। तो क्या राहुल गांधी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आज की इस बैठक में ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे, थोड़ी देर और वक्त दीजिए तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि 2019 में मोदी वर्सेस ऑल वाला फॉर्मूला फ्लॉप होता हुआ नजर आया, लेकिन ये फॉर्मूला 2024 में चलेगा, इसमें कितनी संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, अभी बहुत ही प्री मैच्योर है, 2 ही साल हुए हैं सरकार के और 3 साल अभी बाकी हैं। एक घटना पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल देती है, एक घटना पूरे देश में जो सियासी समीकरण है उनको उलट पुलट कर देती है। तो 3 साल में भविष्य के गर्भ में क्या है ये हमें, आपको किसी को पता नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति में जो हम अंदाजा लगा सकते हैं या फिर राजनीतिक संवाददाता होने के नाते जो एक तस्वीर पेश कर सकते हैं उसमें ये है कि विपक्ष अब भी एकजुट नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई कठिन और कड़ी चुनौती देता हुआ विपक्ष दिख नहीं रहा है। अगर राज्यों की बात करिए, जब मौका आता है समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, वो राज्यों में अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बनाते रहते हैं। और मुझे एक बात याद आती है, एक स्वर्गीय अहमद पटेल ने एक बार कांग्रेस की बैठक में फार्मूला दिया था कि विपक्ष के सभी नेताओं को इस बात पर मनाना चाहिए, 2019 के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं मैं प्रीति, कि जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा हो उसके खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार यानी संयुक्त उम्मीदवार हो, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वो लड़े बीजेपी से और बाकी सारे दल उसका समर्थन करें, अगर कहीं डीएमके मजबूत है तो वो लड़े बाकी सारे दल समर्थन करें, कहीं आरजेडी मजबूत है तो वो लड़े बीजेपी के खिलाफ सारे दल समर्थन करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों के अपने हित हैं, अपनी राजनीतिक उनकी समझ है, अपने समीकरण है और केंद्र के साथ अपने अपने रिश्ते हैं अलग अलग, और वो इस राह में बाधा है। तो अगर आज की मुझसे बात आप कर रही हैं तो मुझे कोई मजबूत विपक्ष दिखाई दे नहीं रहा जिसमें दरारें ना हो, जिसमें एक दूसरे को लेकर के तलखी ना हो। संयुक्त विपक्ष नाम की कोई चीज फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही, हालांकि मुद्दों पर कई बार वो इकट्ठा होते हैं, कई बार बिखरते हैं। ठीक है अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस तस्वीर का विश्लेषण, इस तस्वीर को लेकर जानकारी जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में दे दें। देखिए, उसके साथ भी कल की भी पिक्चर ऑफ द डे था, वो भी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज सोनिया गांधी से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, मुलाकात करने पहुंची। कल ही उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो चाय पर चर्चा के लिए इन्वाइटेड हैं सोनिया गांधी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर हमने दिखाई आपको, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुलाकात होनी थी, उन्होंने नया नई सरकार दोबारा से पश्चिम बंगाल में बनाई है और उसके तहत उन्होंने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर उनकी बात हुई थी।
और संसद के बाहर सड़क पर और संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर जमकर घमासान हुआ। अब उसकी बात कर लेते हैं। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही के दौरान पर्चे भी फेंके। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर संसद भवन के बाहर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मार्च के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जासूसी के मुद्दे पर जवाब मांगा। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्चे फेंके जाने के मामले पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष के 10 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग कर दी है। यहाँ पे आज सरकार ने बताया हिंदुस्तान का पूरा ओपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, 2024 में भले ही विपक्षी एकता एकजुट दिखे या ना दिखे, लेकिन अभी जासूसी मामले पर पूरा का पूरा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि एकजुट है। मैं आपसे जुड़ूं, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लेना और इनको समझना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीरें आज के दिन की गर्मा गर्म बहस और जिस तरह से कार्यवाही दोनों सदनों की प्रभावित हुई है उसकी वजह बनी है। संसद के बाहर सड़क पर और संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर घमासान हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद के बाहर की विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाया, हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 2024 में संशय दिख रहा है, लेकिन जासूसी मामले पर जांच को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। देखिए, जो पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा तथा कथित रूप से जासूसी के मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है उसको लेकर सरकार ने, अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। लेकिन विपक्ष तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर लगातार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने नेताओं की और तमाम लोगों की, पत्रकारों सहित तमाम लोगों की जासूसी कराई है। सरकार इस बात से लगातार इनकार कर रही है, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा और उन्होंने साफ पूछा कि चूंकि इसराइल की जो कंपनी पेगासस स्पाईवेयर बनाती है वो साफ कहती है कि वो सरकार को ही ये स्पाईवेयर बेचती है, तो भारत सरकार एक शब्द में जवाब दे कि क्या उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था या नहीं। राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं संसद के अंदर भी और बाहर भी, और आज जिस तरह से हंगामा हुआ, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने लगातार हंगामा किया वेल में जाकर के, चाहे वो राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, और ममता बनर्जी ने तो अपने राज्य में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो संयुक्त विपक्ष इस रणनीति पर चल रहा है कि सरकार को पेगासस के मुद्दे पर पहले संसद में चर्चा करानी होगी, उसके बाद ही किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा या सवाल जवाब को वो अनुमति देंगे। हालांकि सरकार का अपना रुख है, सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से
लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी की तरफ से पेपर फेंके गए वो संसदीय गरिमा संसदीय प्रक्रिया के एकदम खिलाफ है और इसलिए उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई उनको पूरे सत्र के दौरान निलंबित करने के लिए सरकार कल प्रस्ताव पेश कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो अरुण इस बात की है कि टैक्स पेयर के पैसे से जिस तरह से दोनों सदनों में कार्रवाई चलती है और कामकाज जिस तरह का हो रहा है उसका प्रतिशत बेहद कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मुझे लग नहीं रहा है कि स्थितियां बदलेंगी और इसी तरह से हम देखेंगे कि स्थगित हो रहे हैं दोनों सदन। देखिए प्रतीक, कांग्रेस से ज्यादा सदन चलेगा कि नहीं चलेगा ये बात तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करती है, क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि 13 अगस्त तक संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, हम तो अपने मुद्दे इसी तरह उठाते रहेंगे, यानी इसी तरह हल्ला हंगामा करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे। और जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मात दी थी ममता बनर्जी, उसके बाद ही इस बात के स्पष्ट संकेत मिले थे कि अब जो बीजेपी है या फिर मोदी सरकार, उससे दो दो हाथ करने के लिए तृणमूल कांग्रेस तैयार है। और उसकी सबसे पहली वानगी जो है आपको संसद में देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद काफी आक्रामक होते हैं जब सदन चलता है तो, और उनके एक शांतनु जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने आईटी मिनिस्टर के हाथ से स्टेटमेंट छीन करके फाड़ भी दिया था, उस पर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो तृणमूल कांग्रेस ज्यादा आक्रामक सदन के अंदर है। कांग्रेस सुर में सुर जरूर मिलाती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा कि पूरा सदन क्या वॉशआउट हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया जो है पूरी तरह से वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, या फिर इसमें कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे मैं जुड़ती रहूंगी। इधर संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया है और सदन की कार्यवाही को बाधित किया है, जिसके बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने पर्चे उड़ाए तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए दिखे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब ऐसे कैसे संसद चल पाएगी? विरोध का तरीका और सरकार का उस पर रुख, दोनों ही दिक्कत भरा दिख रहा है। देखिए, संसद चलाना अगर चाहते दोनों, सरकार और विपक्ष दोनों, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ऐसा देखा गया है संसद के कार्यवाही के दौरान कि बड़े बड़े मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठे हैं, चर्चा उनके बीच हुई और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है और ये आक्रामकता जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हुई थी या जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया उसका प्रदर्शन संसद के अंदर हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार से आपके विरोध हो सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब आपका अधिकार है, लेकिन तब जब वो संसद चले, और जिस टैक्स पेयर की बात की आपने, निश्चित रूप से करोड़ों रुपया रोज संसद की कार्यवाही अगर नहीं चलती है तो जाया होता है, नुकसान होता है। जो संसद जनता के लिए कानून बनाती है, उनके भले के लिए कानून बनाती है, उस पर बहस करती, मुवाइजा करती है, वो नहीं हो पाता है। लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पेगासस जासूसी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सरकार उस पर कंस्ट्रक्टिव बहस करने नहीं दे रही है, और सरकार कह रही है कि वो तो बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। इन दोनों के बीच ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि सही कौन बोल रहा है। प्रीति जी, आप बने रहेगा इधर। एक तरफ विपक्षी दलों के संसद में जिस तरह से बवाल हुआ है वो तस्वीरें हमने देखी, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं ने जासूसी मामले और कृषि कानून के मुद्दे पर आज बैठक भी की, और इस बैठक में सरकार को घेरने पर चर्चा हुई, और इस बैठक के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर जमकर हमले किए हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला और संसद में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। विपक्ष के नेताओं ने जासूसी मामले में सरकार पर हमले तेज किए हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद इन नेताओं ने संसद में विजय चौक तक मार्च भी किया है, और इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और 2024 की संभावनाओं पर तो चर्चाएं बाकी है, लेकिन विपक्ष के नेता जासूसी मामले पर सरकार पर लगातार हमले तेज किए हुए हैं, संसद के भीतर और संसद के बाहर।
दोनों ही जगह तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद इन नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला और इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई पार्टी के नेता मौजूद दिखे। और इस मार्च के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला, जबकि बीजेपी ने इस हंगामे पर विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्ष पर संसद को बेवजह रोकने का आरोप लगाया, साथ ही मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने की घटना की भी निंदा की। ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आएं, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं। उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है राहुल गांधी। आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से चुनाब नदी किस तरह से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनाब नदी में उफान को देखते हुए अखनूर और आसपास के इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। अखनूर में चुनाब नदी पर बने सभी घाट पानी में डूबे हैं और मंदिर भी पानी में डूबा दिख रहा है। फिलहाल लोगों को नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से चुनाब नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपके लिए दिखा रहा है, किस तरह के हालात चुनाब नदी में उफान के बाद बन रहे हैं। अखनूर और आसपास के इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में कल से लगातार बारिश हो रही है, खास करके पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होने के चलते आप देखिए दरिया चिनाब, हम इस समय अखनूर में हैं, जो दरिया चिनाब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। जो घाट जहां पर बने हुए हैं आप देखें पानी में डूबे आपको दिखाई देंगे। ये पूरा जियो पोता घाट के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर माना जा रहा है कि 6 से 7 घाट जो हैं यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया पूजा की होती है, लेकिन अगर आप अभी देखें तो सारे पानी में डूब रहे हैं। पानी आप देख लीजिए किस तरह से दरिया चनाब में पहुँचा है ऊपर से, क्योंकि किश्तवाड़ में जो बादल फटा है ये दरिया चनाब भी उसी इलाके से निकल कर नीचे की ओर आता है। किश्तवाड़ में कल 2 जगह पे बादल फटा है, एक पाडर इलाके में और एक हुंजर इलाके में। हुंजर इलाके में अभी तक 7 जो हैं वो शव बरामद कर लिए गए हैं और 17 के करीब लोग घायल हुए हैं, कई लोग अभी लापता हैं। सेना और पुलिस की टीमें स्पॉट के ऊपर पहुंची हुई हैं। मौसम ख़राब होने के चलते पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से जो मशीनरी है वो पूरी काम कर रही है। वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाने के लिए भी पूरी तैयारी SDRF और भारतीय सेना ने कर रखी है। और वहीं पाडर इलाके में बादल फटने से कई पुल जो हैं वो बह गए थे और वहाँ पर भी जो रोड का कनेक्टिविटी है वो टूट चुका है। और जिस इलाके में किश्तवाड़ में बादल फटा है वहाँ पर भी इस समय अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन इस समय आप अखनूर का ये इलाका देखिए, ये नीचा पूरा जो पूरा इलाका है ये पाकिस्तान की तरफ बहता हुआ जाता है दरिया चनाब। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। पहाड़ से तेज बहाव से आया पानी लोगों की मकानों और दुकानों में भर गया है। सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। पानी की वजह से 6 मकान को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीरें। बादल फटा और फिर वहां बाढ़ का मंजर लोगों की परेशानियों को बढ़ा देता हुआ दिख रहा है। पहाड़ से तेज बहाव से आया पानी लोगों के मकानों में दुकानों में भर गया है।
और सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पानी की वजह से 6 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किश्तवाड़ में सुबह करीब 4:20 पर बादल फटने से 16 मकान उसकी चपेट में आ गए और इस हादसे के बाद 19 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव के काम में लगी है। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश में है। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहत काम में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें, जहां पर बादल फटा, 7 लोगों की जान चली गई, 17 लोगों का रेस्क्यू हुआ और इस हादसे में अभी भी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। किश्तवाड़ में सुबह करीब 4:20 पर बादल फटा, 16 मकान उसकी चपेट में आए और इस हादसे के बाद 19 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में लगी है। और पीएम मोदी ने किश्तवाड़ में हुए हादसे पर ट्वीट किया है। किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने की घटना पर केंद्र सरकार हालात पर निगाह बनाए हुए है करीब से। प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई की प्रार्थना करता हूं। साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के LG और DGP से बात की। SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा है। NDRF भी वहां पहुंचा हुआ है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से किश्तवाड़ में धूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट भी खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पावर प्रोजेक्ट के रिजर्वोयर में पानी दाखिल हो गया था और फिर ऐसे में वो गेट खोलने पड़े हैं। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो पहाड़ों पर बारिश की वजह से हुई है, जहाँ किश्तवाड़ में धूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट भी खोलने पड़े हैं। बताया जा रहा है कि लगातार ये बारिश हो रही है और इसकी वजह से पावर प्रोजेक्ट के रिजर्वोयर में ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था और इस वजह से गेट खोलने की नौबत आ गई। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये तो एक तस्वीर है, लेकिन ऐसी लगातार हम तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों की दुश्वारियां वहां पर बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद किश्तवाड़ में धूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट गेट की है, जिन्हें खोलने की नौबत आ गई है। और देखिए कैसे कितनी तेजी से सैलाब की तरह पानी बह रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से बीन नदी में उफान आ गया है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से आसपास के करीब 80 गांवों का संपर्क आपस में टूट गया और इस बीच पानी की तेज धार में रास्ता पार कर रही एक गाड़ी फंस गई। हालात ये थे कि गाड़ी की सिर्फ क्षति दिखाई दे रही थी। किसी तरह ड्राइवर ने उफनती नदी के बीच से निकलकर अपनी जान को बचाया। ये उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए लोगों की दिक्कतों को समझिए कि हालात बारिश और बाढ़ के बाद किस तरह से विकट हो गए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार बारिश हो रही है, वहां बीन नदी में उफान है, नदी में पानी बढ़ा हुआ है और आसपास के करीब 80 गांव वहां पर आपस में संपर्क उनका टूट चुका है। पानी की तेज धार में रास्ता पार कर रही है एक गाड़ी, जिसे आप देख रहे हैं, हमने आपको गोल करके दिखाया है लाल निशान के जरिए। देखिए वो फंस गई है वहां पर और गाड़ी की सिर्फ क्षति छत दिख रही है। किसी तरह ड्राइवर ने उफनती नदी के बीच से अपनी जान को बचाया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मसूरी में कई घंटों लगातार बारिश हुई है और वहां कैंप्टी फॉल में पानी का स्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से कैंप्टी फॉल का रौद्र रूप देखने को मिला है। वहां पर पानी की तेज धार बहती हुई दिखाई दी। फिलहाल सैलानियों को कैंप्टी फॉल जाने से रोक दिया गया है। तो कैंप्टी फॉल, जैसा हम लगातार जानते हैं कि मसूरी जो भी जानता है तो वो कैंप्टी फॉल जरूर जाता है उसकी खूबसूरती देखने के लिए और उस झरने के नीचे मौज मस्ती के लिए, लेकिन अभी का आलम देखिए ये है और यहाँ पर पर्यटकों को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इतना तेज धार पानी की नजर आ रही है कि अगर कोई यहाँ गया तो बड़े हादसे का शिकार हो सकता है।
Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए बीजेपी को हारने के लिए सबको एक होना जरूरी है. हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा. भैया यहाँ हटा लो यार कैमरा. हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है. ऑडियो आ जाएगा. हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है. टीवी हटे यहाँ का ऊपर कर रहा है. मेरी ऑडियो तो जाएगा फिर. वीडियो नहीं दे. अरे बोलने दो ना. अरे लेट हट स्पीक. हाथ तो हटा दो गुरु, मुझे भी तो देखने दोगे. तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए. ये तो जनता नहीं जानने चाहता है. जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है. अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है. तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी के घर 10 जनपद से निकलकर ममता बनर्जी बाहर आई हैं और बात कर रही हैं मीडिया से. उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होगा तभी आगे लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है. लेकिन इस बीच लगातार वो ये बता रही हैं कि किस तरह से जो मुद्दे हैं ज्वलंत, जिसमें पेगासस का उन्होंने जिक्र किया कि उस पर बात तो की जानी चाहिए, उस पर बात तो विपक्ष की सुनी जानी चाहिए. वो आवाज जो संसद से लेकर सड़क तक अभी पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है, उसी बात को आगे बढ़ाती हुई नजर आई. चाहे हम कल का दिन ले ले, आज का दिन ले ले, दोनों ही सदनों में हो हंगामा हुआ है और आलम यह है कि दोनों ही सेशंस को स्थगित करना पड़ा है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी. और जब ममता बनर्जी निकलकर बाहर आती हैं, उन्होंने एक और अहम बात कही है, जो बात उन्होंने शुरुआत में कही कि राहुल गांधी भी मीटिंग करते हुए वहां पर मौजूद थे. क्योंकि लगातार अब हम अपने सहयोगी रिपोर्टर अरुण से समझने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल की मौजूदगी में इस मुलाकात के कितने अहम मायने हो जाते हैं, क्योंकि 2024 के लिए अगर विपक्ष को एकजुट होना है तो उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी और ममता बनर्जी की मौजूदगी दोनों साथ साथ हो, तब एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर इस पूरे गठबंधन को देखा जा सकता है, इस पूरे मोर्चे को देखा जा सकता है.